हजार मोटरसाइकिल चली ये कांग्रेस निश्चित भाव में विजय हे जिते युवक मान अच्छा सारा अंचल युवक मान ये एकजुट होती जेहेतु दीर्घ दीर्घ 23 वर्षर मुख्यमंत्री ये अंचल किसी करना बीजेपी सरकार जो अच्छा दिन कथा कहते तार विपद अच्छा दिन बदे बुरा दिन आसी तेल दर खाइबा तेल दर बढ़ी डीजल पेट्रोल बढ़ी डाली बढ़ी आलु प्याज साधारण लोक आवश्यकता तार संपूर्ण भाव में दर तीन गुणा बढ़ी से लोक बेकारी समस्या बढ़ी से लोक निष्पत्ति नहीं कांग्रेस को भोट देवे एवं जो कांग्रेस दल प्रार्थी तर नैतिकता परिप्रेक्षी में निश्चित भाव में विजय हे लग रहा है कांग्रेस की हवा चल रही है अंडरग्राउंड में, क्योंकि लोग यहाँ असंतुष्ट है बीजेडी और बीजेपी, खासकर बीजेडी ने कम से कम 20 साल हो गया यहाँ पर स्टेट में, लैंड ऑर्डर इश्यूज है, बहुत सारा इश्यूज है, फेल्यूर है बहुत सारे इश्यूज में, और बीजेपी खासकर महंगाई, भ्रष्टाचार और अपना अनएम्प्लॉयमेंट, ये तीनों इश्यूज़ को लेके बहुत ज़्यादा ये हो गए लोग असंतुष्ट है। इसलिए 100% कांग्रेस पार्टी का जो भी कैंडिडेट है हमारा डीसीसी प्रेसिडेंट अजित मंगराज जी जीतने का चांसेस ज़्यादा है। आपकी यहाँ पे जो पहले पहले से थे विधायक थे उनकी परिवार लोगों ने बीजेडी का समर्थन कर रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी देखेंगे, कोई अगर कांग्रेस के खिलाफ में अगर कोई काम करने से कोई प्रॉब्लम है उसके लिए हम पीसीसी प्रेसिडेंट से ये करेंगे, जो भी एक्शन लेना है एक्शन लेंगे, लेकिन जनता के बीच में कांग्रेस का मन है, जनता एक ने मन कर लिया है कांग्रेस को समर्थन देने के लिए, इसलिए कोई प्रभाव कोई किसी का नहीं है। संगठन का प्रभाव ज़्यादा रहता है, इंडिविजुअल का बहुत कम परसेंटेज रहता है, तो यहाँ पूरा संगठन हर एक ब्लॉक अध्यक्ष सारा लीडरशिप फार्मर पीसीसी प्रेसिडेंट सभी लोग अजित मंगराज जी के साथ हैं, तो 100% अजित मंगराज जी हमारा यहाँ पर 100% सुनिश्चित से छोटे अंडर करेंट उभय बीजेपी और बीजेडी सरकार का विरुद्ध रे पिपली उपनिर्वाचन रे बहुत हमें आशा करूँ उभय बीजेडी और बीजेपी दल को कांग्रेस दल कड़ा टक्कर दब आगामी दिन में कांग्रेस दल प्रार्थी एठार विजयी हो विधानसभा को जीवे तेणु आप जाणिया कथा व्यक्ति बड़ नुह दल बड़ कांग्रेस दल बहु पुरातन दल बहु लोक आसछंती बहु लोक जाइछंती बहु लोक नुआ लोक भी आसछंती तेणु जणे लोक पळेले जे कैडर पळेबो ता संगे सेमती कथा ठीक नुह आपण देखिबे मोटरसाइकल रैली देखिले बहु युवक शामिल होइछंती।